सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उनसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दुख सबके हिस्से में आते हैं, फर्क बस इतना सा है कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा के रखता है। आज का पंचांग 14 सितंबर 2022 दिन बुधवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 10:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 6:57 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:22 से 1:53 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मकर राशि 14 सितंबर 2022 दिन बुधवार, घरेलू मुद्दों को सुलझाने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। आज उन कार्यों को कर सकते हैं जो कई दिनों से रुके हुए हैं। अपने शारीरिक और मानसिक आराम के लिए भी समय निकालें। सफल होने का सीधा तरीका है दूसरों से ज़्यादा मेहनत करें, दूसरों से ज़्यादा जानें और दूसरों से कम उम्मीद रखें। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। कुछ समय से आपको जिस सुकून की तलाश थी वह आपको हासिल होने वाली है। विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई उम्मीद मिलेगी। जो लोग आपके खिलाफ हैं उनके साथ विवाद करने से बचें, उनका सामना सोच विचार करके ही करें। हर एक छोटे विवाद में खुद को उलझाने से कार्य क्षमता घट सकती है। आपसे गलतियां भी हो सकती है। भावनाओं को काबू रखते हुए वास्तविक रहकर निर्णय लें। करियर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध परिवार के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। अपचय और उल्टी की तकलीफ होने की संभावना है। सावधानियां, जल्दबाजी और भावुकता में लिए गए निर्णय आपको परेशानी में डाल सकते हैं। वाहन अथवा घर के रखरखाव संबंधित कार्यों में खर्चे बढ़ेंगे। कुछ आर्थिक समस्याएं आएगी, यह समय धैर्य पूर्वक व्यतीत करने का है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना माहौल को खुशनुमा बनाएगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक मजबूती आएगी। अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर परिवार और निजी मामलों पर ध्यान दें, जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। खुश हो जाएं क्योंकि कुछ बहुत ही रोचक और हॉट आपका इंतजार कर रहा है। आज आपकी रोमांटिक भावनाएं तीव्र है, ऐसे में अपने साथी के लिए कोई खास उपहार तो बनता है। बात करते हैं करियर की। अब बदलाव आपकी पूरी कार्य प्रणाली को बदल देगा, जिससे आप समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर होंगे। आप में से कुछ लोगों को आज प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। एक विजेता की तरह सोचें और मामूली बाधाओं पर भरोसा ना करें। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच को बढ़ाएं। व्यावसायिक गतिविधियां कुछ मध्यम रहेगी। कार्य क्षेत्र के आंतरिक व्यवस्था और कार्य शैली में सुधार करने की जरूरत है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि न लें, इंक्वायरी की स्थिति बन रही है। बात करते हैं सेहत की। स्त्रियों को जोड़ों में दर्द अथवा स्त्री जनित रोगों की वजह से परेशानी रहेगी। काम के साथ साथ अपने व्यवसाय का भी ध्यान रखें। अपचय की तकलीफ भी हो सकती है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।